जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर हम उसी श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं जो श्रृंखला हमने शुरू की है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसके जो प्रीवियस प्रश्न थे जीके के, उन्हीं का विश्लेषण हम सीरीज लेके आपके समक्ष वापस आए हैं। जैसा हमने कहा था, एक सीरीज हमारी शनिवार को हुई थी, तो आज 1 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, शनिवार को हमने 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के प्रश्नों का एनालिसिस किया था, आज हम 1 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो सीधी बात नो बकवास, देखिए हमारा एक मोनो है सीधी बात नो बकवास, इसका मतलब है हमें आपको कोई शायरी नहीं सुनानी, कोई आपका वो नहीं करना कि भैया आपको मनोरंजन, सीधी बात है कि भैया आपको क्वेश्चन बताने हैं और किस तरह से क्वेश्चन आगामी आरक्षक परीक्षा में आएंगे उनसे संबंधित बात आपसे करनी है। तो चर्चा शुरू करते हैं आपके उत्साह के साथ, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा मंत्रालय, निम्न में से कौन सा मंत्रालय या विभाग मध्य प्रदेश में शहतूत तसर रेशम उत्पादन के लाभार्थियों के लिए एक विशेष परियोजना पर काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विभाग है इसका नाम है कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि इसकी परियोजनाओं पर काम करता है, इसके लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान योजना निम्न में से किस विभाग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें विभागों का नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर है नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य सहकारी विपणन संघ, जो फसल से संबंधित वित्त उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। तो योजना जो है इन दोनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में, ध्यान दीजिएगा 2021-22 में पुलिस पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया था, जो बजट पेश हुआ था उस समय, जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री है उन्होंने ही बजट पेश किया था, तो उस बजट में कितनी प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। तो इसका सही आंसर है 3.8%, किस पर की गई थी, पुलिस पर। तो ध्यान रखिएगा, बजट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं बीच बीच में, जैसे अभी वन रक्षक और जेल आबकारी की परीक्षा चल रही है तो उसमें भी बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, पिछली आरक्षक में भी बजट से संबंधित प्रश्न आए, अभी भी आए, तो जब आप कॉन्स्टेबल देंगे तो आपके इसमें भी बजट से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, कौन सा जिला, राजगढ़, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए, 4 वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें दी गई है, करेरा शिवपुरी में आता है, ये हमको पता है करेरा कहाँ आता है, शिवपुरी में, और आपको पता है इसे मर्ज कर दिया गया है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। सोन घड़ियाल हमें पता है, ये हमारा उधर पूर्व की साइड देखने को मिलेगा, राला मंडल इंदौर की साइड देखने को मिलेगा, तो इसका सही आंसर है नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजगढ़ में है, और आपको पता है ये जो है यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है ये तोतों के लिए प्रसिद्ध है, पैरोट के लिए प्रसिद्ध है, कौन, राजगढ़। तो नरसिंहगढ़ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, राजगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे 3 जनजाति समूह सबसे कमजोर है, तो इसका आंसर क्या है, 3। तो 3 जनजाति समूह, 3 जन जातीय समूह जो सबसे कमजोर है उनमें है बेगा, सहरिया और भारिया, बेगा सहरिया भारिया, ये सबसे कमजोर समूह है। 2003 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पिछड़ी से भी पिछड़ी जनजाति माना गया था, इन्हें कमजोर समूह कहा जाता है, और तीनों ये जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में बेगा भी है, मध्य प्रदेश में शहरिया भी है, मध्य प्रदेश में भारिया भी है। इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार
विशेष योजनाएं भी चलाती है, विशेष प्रकार के दलों का निर्माण भी करती है, सरकारी नौकरियों में भी इन्हें विशेष जगह दी जाती है। तो इसका सही आंसर है 3, बेगा, सहरिया, भारिया। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जिला गेहूं और आटे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। देखो, जब आप मध्य प्रदेश को देखते हो, किसको देखते हो, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आप सीहोर को देखोगे, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, रायसेन, ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के। अब यहां पे बहुत आसान है क्योंकि ये निवाड़ी नहीं, निवाड़ी है, तो निवाड़ी तो गेहूं के लिए नहीं जाना जाता है उतना, तो मुरैना जो है वो सरसों के लिए जाना जाता है, झाबुआ भी गेहूं के लिए नहीं जाना जाता है। अब जो है रायसेन, रायसेन किसके लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए। और मैं बता दूं, सबसे प्रमुख शरबती गेहूं यहाँ पे होता है रायसेन और सीहोर में, और सीहोर का गेहूं तो सबसे फेमस है कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, मतलब सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, की आधारशिला किस वर्ष रखी गई। देखिए, हमें पता है सांची बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है, सांची में, सांची में, और हमें पता है सांची कौन से जिले में आता है, सांची आता है रायसेन में। हमें यह भी पता है कि सांची के स्तूप, सांची के स्तूप अशोक के द्वारा बनवाए गए, किसके द्वारा बनवाए गए, अशोक के। यहां पर सारिपुत्र, सारिपुत्र और मोदगल्यायन, सारिपुत्र और मोदगल्यायन के अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष कहां पर है, सांची में। और इसके विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी, आधारशिला रखी गई थी, ये 2012 में रखी गई थी। उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ पे शायद उद्घाटन करने के लिए आए थे 2012 में, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय आधारशिला इसकी रखी गई थी 2012 में। कहा जाए जिला कौन सा है, जिला है रायसेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या किसे समर्पित है, ब्लैंक का मतलब है किसको समर्पित है। तो हम देखते हैं पहले तो ये मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर है ग्यारसपुर, ये मंदिर ग्यारसपुर में है, और ग्यारसपुर जो है वो विदिशा के अंतर्गत आता है, ग्यारसपुर आता है किसके अंतर्गत, विदिशा के अंतर्गत। और हमें पता है विदिशा जो है, विदिशा को भेलसा और बेसनगर, भेलसा और बेसनगर के नाम से जाना जाता है, भेलसा और बेसनगर। तो ये मंदिर जो है ये ग्यारसपुर विदिशा में है, और ये किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गजल निदा फाजली द्वारा लिखी गई, निदा फाजली द्वारा लिखी गई। तो देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी सरफरोश, है ना, सरफरोश में एक ही बहुत बेहतरीन गजल है, और शायद पहला आपने आंसर भी देख लिया होगा, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज, आपने देखी होगी। तो ये गजल जो है वो निदा फाजली द्वारा लिखी गई, आपने सरफरोश मूवी में सुनी होगी। कौन सी मूवी में, सरफरोश, सरफरोश मूवी में सुनी होगी, ठीक है। तो निदा फाजली द्वारा ये गजल लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुई लंगाई नी महोत्सव, लुई लंगाई नी महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये महोत्सव मनाया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा, नागा जनजाति के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में ये महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर। अभी इसके अध्यक्ष है रमेश मेंदोला, अभी वर्तमान में रमेश मेंदोला जी जो है वो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के क्या है, अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण जीविका मिशन,
ग्रामीण जीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पुलिस कांस्टेबल से पहले भी आया हुआ है, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई, ध्यान रखना ये दीदी वाहन सेवा जो है 2020 में शुरू हुई थी। दीदी वाहन सेवा जो है ये कब शुरू हुई थी? 2020 में। और इसे कहां से शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया था झाबुआ जिले से। किसे शुरू किया था? झाबुआ जिले से इसे शुरू किया गया था। तो ये पुलिस कांस्टेबल में तो आया ही है, उससे पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। दीदी वाहन सेवा 2020 कहां से? झाबुआ से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की? तो हम सबको पता है स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। 1923 में कांग्रेस के अंदर ही मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज्य दल की स्थापना की थी। हमें पता है 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के भीतर ही नए जोश और उत्साह के लिए स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो ये सबने पढ़ा है भूगोल में, भारत का भूगोल अब जब पढ़ते हो, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, तो आपको पता है भूटान से भी लगती है। भूटान जो है हिमालय की तलहटी में, इसका आंसर क्या है? भूटान हिमालय की तलहटी में बसा है, इस कारण कई प्रकार के प्रकोपों का सामना उसे करना पड़ता है। तो इस कारण से लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। कई तूफान यहां आते हैं क्योंकि हिमालय की तलहटी में बसा है भूटान, आप सबको पता है। अगर मैं भूटान की बात करूं तो आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, ये एरिया सिक्किम का है और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया। क्या आ गया? अरुणाचल प्रदेश। और नीचे आ गया हमारा क्या, एक प्रकार से अगर कहा जाए कि ये हमारा भूटान, ये हिमालय की तलहटी, ये हमारा भूटान। इसके एक और हमें सिक्किम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिक्किम। एक तरफ हमें देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो क्या अगर हम बात करें दो ही राज्यों से सीमा बनाता है भूटान की सीमा, क्या भारत के दो ही राज्यों से लगती है? नहीं, इसकी सीमा तो असम से भी लगती है। किससे लगती है? असम से। तो इसका सही आंसर क्या है? भूटान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ख्याल शैली। कौन सी शैली? ख्याल शैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में क्या गलत है? सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, इस पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल सही है। किसने हस्ताक्षर किए? तो आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इन्होंने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। 19 सितंबर 1960 को हुआ था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित है, यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। संधि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दलाली की जाती, ये वाला आंसर इसका गलत है। तीसरा, यह सिंधु नदी प्रणाली के पानी के वितरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? ये वाला तीसरा, किसकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दलाली की जाती, ये आंसर गलत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंधु नदी जल संधि में मध्यस्थता मध्यस्थ
मध्यस्थ था विश्व बैंक, मध्यस्थ कौन था, मध्यस्थ था विश्व बैंक। और हम सब जानते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंधु नदी जल समझौता सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर है। अभी जेल पैरी की परीक्षा चल रही है, क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि सिंधु नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, तो अगर आपने भारत को अच्छी तरीके से पढ़ा है, भारत के भूगोल को, भारत की नदियों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप देखेंगे भारत में जो लद्दाख का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, लद्दाख का, तो लद्दाख के दमचोक, पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख के दमचोक, लद्दाख के दमचोक, लद्दाख के दमचोक से सिंधु नदी कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अब हम सभी जानते हैं आरबीआई जो है वो हमारा केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो हम जानते हैं आरबीआई केंद्रीय बैंक है। 2021 के लिए अपने जीडीपी विकास लक्ष्य को पर बनाए रखा, तो इसका सही आंसर है 9.5। देखिए एक चीज विशेष रूप से आप गौर कीजिएगा कि ये जो है 21 का आपसे पूछा है, लेकिन आप विशेष रूप से गौर कीजिएगा कि हर बार आपको पढ़ना, ये 21 का पूछा है, हो सकता है 22 का पूछे, 22 के बाद 23 का पूछे, तो हर बार ये चेंज होते हैं, इसको आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 9.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की हड़ताल निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो देखिए आपको पता है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आए, कौन भारत आए, गांधी जी। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ, तो आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ, कहां हुआ, बिहार में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और 1918 में ही आपको पता है अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या है, 1918। और आपको यह भी पता है 9 जनवरी को जब गांधी जी भारत आए, इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, कब, 9 जनवरी। और आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस 2023, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कहां हुआ, तो ये हुआ इंदौर में, कहां हुआ, इंदौर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं होंगे, तो ये हमारे कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, अगर इसके बारे में आपको पूरा नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा कल्चर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। देखो कल्चर भी पूछा जा रहा है आपसे, इसके अलावा देखो ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, किससे संबंधित, भूगोल से संबंधित। जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि भैया के लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भूटान जाना जाता है, भूटान कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपको बताया भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाएगा, इधर आपका असम आ जाएगा, इधर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये भूगोल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। स्वराज्य दल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़े ग्रामीण आजीविका मिशन, दीदी वाहन सेवा जिसे मैंने कहा, यह भी एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यालय अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। फिर बात करें लुई लंगाई महोत्सव, तो भारत में जो प्रमुख महोत्सव होते हैं अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया कल्चर में, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर बात की जाए कि निजा फाजली, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये क्वेश्चन तो भले ऐसे क्वेश्चन एकाध आए तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
फिर इंडोला तोरण का मंदिर आपने ग्यारसपुर विदिशा पढ़ा होगा तो ये आपको मिल जाएगा। फिर पढ़े सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची यूनिवर्सिटी 2012, ये भी कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है। फिर गेहूं और आटे के लिए रायसेन, आप सभी जानते हैं सीहोर होशंगाबाद रायसेन जाने जाते हैं। सबसे कमजोर जनजातियां, सबसे पिछड़ी जनजातियां, तीन बेगा सहरिया भारी, आंसर तीन है, कोई बहुत विशेष क्वेश्चन नहीं है। नरसिंहगढ़ आप जानते हैं वन्य जीव अभ्यारण, जब आप मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से हो जाएगा। फिर देखे अगला वित्त वर्ष 2021-22 में, तो ये तो आप बजट पढ़ेंगे, जैसे इस साल कॉन्स्टेबल है तो 23-24 का जो बजट है वो आप एक बार पढ़ लेंगे, और एग्जाम के 10-15 दिन पहले तो आपको दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान योजना, तो जब आप मध्य प्रदेश की योजनाएं डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कौन सी योजना के लिए कौन सा विभाग क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो ये भी कोई बहुत विशेष, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर बात करें कौन सा मंत्रालय, तो हमने कहा आपने अगर योजना पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे 1 फरवरी की शिफ्ट नंबर 2 से, हम आपको प्रतिदिन ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इससे आप अनुमान लगा लो कि इस बार की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बार जो जीके का लेवल होगा वो कैसा होगा। अगर मैं अगर बात करूं आपसे, तो आप देख रहे हो कि कल्चर से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि कहां कहां से क्वेश्चन आए, तो आपने देखा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की योजना, योजनाएं यहां से प्रश्न बने, मध्य प्रदेश पर्यटन से क्वेश्चन बने, मध्य प्रदेश पर्यटन से क्वेश्चन बनाए, मध्य प्रदेश मुख्यालय से क्वेश्चन बनाए, मध्य प्रदेश मुख्यालय से क्वेश्चन बनाए, फिर बात करें मध्य प्रदेश बजट से प्रश्न बनाए, मध्य प्रदेश बजट से प्रश्न बनाए, फिर भारत के भूगोल से प्रश्न बनाए, भारत का भूगोल, फिर इतिहास से प्रश्न बनाए, इतिहास से प्रश्न बनाए, है ना। इसके अलावा अगर देखें कल्चर, कल्चर से प्रश्न बने, तो इन सभी टॉपिकों से मिलाकर प्रश्न बने हैं। तो आप देखिएगा अगली बार भी कुछ इसी तरह का पैटर्न रहेगा, तो इसी आधार पर आप तैयार कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।